तो गाइस आज मैं फिर से आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ नियॉन लाइट इफेक्ट। अब नियॉन लाइट इफेक्ट क्या होता है आप सभी को बताइए, लेकिन आज जो मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करूंगा उस कंटेंट के अंदर आप अपने किसी भी इंग्लिश के अल्फाबेट को या तो फिर अपने लोगो को या फिर किसी शेप को बहुत एक अच्छा लुक दे सकते हैं, बहुत अच्छा डिजाइन दे सकते हैं, लेकिन मैं प्रीफर करूंगा कि आप अपने लोगो को यूज करें। डेफिनेटली आप लोगों के पास लोगो तो होगा ही, आपके पास स्टूडियो है या आप आउटडोर काम करते हैं तो डेफिनेटली लोगो आपके पास हो गया, अगर नहीं है तो आप बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं जो आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूँ ये एक PHD फाइल है, मॉकअप फाइल है, लेकिन इसमें कैसे काम करना है, कैसे आप मॉडिफाई कर सकते हो, कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो, वो सारी चीज मैं आपको वीडियो में आगे जाकर बताऊंगा। तो वीडियो आपको पूरा वॉच करना है। जो कंटेंट मैं आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा उसको डाउनलोड करने के लिए आपको वीडियो को करना है एक लाइक, एक अच्छा सा कमेंट करना है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेंटीरोय चैनल, मैं हूं आपका दोस्त सेंटीरोय। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस वीडियो चालू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाते के टाइम पे आपसे ऑल का ऑप्शन आता है तो आप उस पे ऑल पे प्रेस कर दें। इससे होगा ये कि आने वाले फ्यूचर के मेरे जितने भी वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल सही टाइम पे पहुंच जाएगा और आप मेरे वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ सीखेंगे ही, कुछ ना कुछ आपको मेरे वीडियो में मिलेगा ही डाउनलोड करने के लिए, जिससे कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और आप लोगों को मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर किसी को भी किसी भी टाइप की अगर सॉफ्टवेयर बाय करना है बहुत ही चीप प्राइस में, जैसे कि वीडियो मिक्सिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर या तो फिर फोटो एल्बम से रिलेटेड उसकी PHD फाइल या तो कोई उसके सॉफ्टवेयर या कोई अदर टाइप का सॉफ्टवेयर, तो स्क्रीन में दिए गए नंबर से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर है, आप सिर्फ मेरे से व्हाट्सअप के थ्रू ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करके आप मेरे से किसी भी सॉफ्टवेयर की जानकारी ले सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर बाय कर सकते हैं बहुत ही चीप प्राइस में। तो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आप लोगों को नियॉन लाइट इफेक्ट प्रोवाइड करने वाला हूं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहां पे आप देख सकते हो कि मैंने एक विंडाल की फाइल रखी हुई है, मैं आपको यहां पे शो कर देता हूं एक बार। यहां पे मैंने मार्क कर दिया, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, यहां पे देख सकते हैं आप। यही फाइल आपको डाउनलोड करनी है जो कि आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन वीडियो आपको पहले लाइक करना है, ठीक है। तो इस वाली विंडाल फाइल को हम लोग करेंगे सबसे पहले एक्सट्रेट। तो मैं इस फाइल को एक्सट्रेट करने के लिए डबल क्लिक कर रहा हूं। डबल क्लिक करने के बाद यहां पे जो एक्सट्रेट टू लिखा था उस पर क्लिक कर दिया मैंने, फिर यहाँ पे मैंने ओके के ऊपर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे मेरी फाइल एक्सट्रेट हो चुकी है। एक्सट्रेट होने के बाद आपका ऐसे फोल्डर आ जाएगा, फोल्डर के अंदर चलते हैं हम लोग गाइस। फोल्डर के अंदर आपको एक फोल्डर दिखाई दे रहा है, उस फोल्डर के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे आपको पांच फाइल दिखाई दे रही होगी। सबसे पहला जो फोल्डर है वो फॉन्ट का फोल्डर है, क्योंकि आपके पास फॉन्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा गूगल क्रोम के दो URL। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो ये दोनों URL पे क्लिक करके आप मेरी वेबसाइट पे जंप कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारे यूनिक कंटेंट मिलेंगे फ्री में डाउनलोड करने के लिए, तो आप एक बार जरूर जाएं। तो जो हम लोग की मेन जो फाइल है वो यहाँ पे फाइल जो अभी मैं मूव कर रहा हूँ यही फाइल है, इसी फाइल के ऊपर हम लोग अपना काम करेंगे। यहाँ पे आपको एक नोटपैड की फाइल दी हुई है, अगर आप इसको डबल क्लिक करके खोलेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि थैंक यू वाला मैसेज है मेरे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर बाय करने हैं बहुत ही चीप प्राइस में तो आप मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, इसी व्हाट्सएप के नंबर के थ्रू आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। और उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको दो मेरे यूट्यूब चैनल दिख जाएंगे, इन चैनल पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट मैं अपलोड करता हूँ, तो आप प्लीज़ ज्वाइन जरूर करें। तो यहाँ पे अभी जो हम लोग की मेन फाइल है वो यही है, PHD फाइल है, इसको हम लोग फोटोशॉप में मूव करेंगे। तो यहाँ से आप लोग को वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, कहीं भी कोई गलती नहीं करनी है। बाई चांस अगर कोई गलती हो भी जाती है तो आप मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एरिया में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आपके पास एक फोटोशॉप ओपन होना चाहिए, फोटोशॉप आप CS6 से लेकर CC का कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं। मैं जो यूज़ करने जा रहा हूँ वो फोटोशॉप CS6 यूज़ करने जा रहा हूँ। मैंने CS6 को ओपन कर लिया, अब इस फाइल को मैं ड्रैग करके ऐसे फोटोशॉप में ले जाके यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरी फाइल है वो ओपन हो चुकी है गाइस। अभी मेरे पास यहाँ पे एक एक्शन का पैनल है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एक सैंपल दिखाई दे रहा होगा और ये सैंपल का जो शेडो है वो नीचे की तरफ में पानी गिरा हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे पानी में भी हल्का सा लाइन दिखाई दे रहा हुआ है, तो यहीं पे आपका लोगो लगेगा या फिर कोई अल्फाबेट या फिर कोई शेप लगा सकते हैं, जो भी आपको लगाना है, लेकिन आप लोगो लगाएं ज़्यादा बढ़िया लगेगा। एक्चुअली यहाँ पे क्या है, एक वॉल है, नीचे उसका बेस बना हुआ है, बेस में पानी गिरा हुआ है और पानी में आपका यहाँ पर रिफ्लेक्शन आया हुआ है, यानी जो भी आप लोगो लगाएंगे ऊपर की तरफ में, यहाँ पे अगर कोई भी लोगो लगाएंगे तो उसका यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखने को मिलेगा। और इस चीज़ को आप कहीं पे भी अपने बैनर में यूज़ कर सकते हैं, आप अगर एल्बम डिजाइन करते हैं तो वहाँ पे लास्ट एरिया में जो अपना ऐड डालते हैं वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर विजिटिंग कार्ड में यूज़ कर सकते हैं, मतलब कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको अपनी ऐड देनी हो। अपने लोगों को बहुत अच्छे ढंग से आपको अगर प्रेजेंट करना है तो ये बहुत एक अच्छा मौका है, ठीक है। यहाँ पे लेयर की तरफ अगर आते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लोगों का ऑप्शन दिया हुआ है जो कि अभी हम लोग का इनेबल है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कलर्स है, लाइट वगैरह है जो कि ऑफ किया हुआ है, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये तीनों के तीनों ऑफ है। आप इसको ऑन करके अपनी लाइटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं जो कि नियॉन की लाइटिंग वगैरह है। यहाँ पे भी दो इसके फोल्डर्स बने आ रहे हैं जो कि इसकी सेटिंग्स वगैरह है, ये सारी फाइलें ऑन है। तो अभी हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लोगों को ऐड करेंगे।
लोगो को ऐड करने के लिए जो सबसे पहला वाला फोल्डर है यहाँ पे, आप देखेंगे अगर सबसे पहले वाले फोल्डर को आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको लोगो दिख जाएगा। यहाँ पे लिखा भी आ रहा है प्लेस योर लोगो, अगर मैं मार्क करता हूँ यहाँ पे लिखा आ रहा है प्लेस योर लोगो। आपको इस फाइल के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग डबल क्लिक करते हैं। जैसे आप डबल क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक छोटा सा एक पेज खुल जाएगा जिसपे आपका जो पहले से लोगो लगा हुआ था सैंपल वाला, वो यहाँ पे लगा हुआ आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना लोगो को प्लेस करना है। प्लेस करने के लिए बहुत ही सिंपल है, आपको जाना है फाइल पे, प्लेस के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ भी आपने लोगो रखा हुआ है उसको ब्राउज करके आपको यहाँ पे डालना है। तो जस्ट एग्जांपल मैं आपको ये वाला लोगो डाल के दिखाता हूँ। मैंने डबल क्लिक किया लोगो के ऊपर, लोगो मेरे यहाँ पे आ गया। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे से थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, ये मैंने ऐसे करके बढ़ा लिया, ओके कर दिया। ये मेरा लोगो जो है ब्लैक कलर का है, मुझे एक्चुअली मोस्टली इसमें व्हाइट कलर का डालना है। तो मैं क्या करूँगा, मेरी जो ये वाली लेयर है जो मैंने डाली है वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, मैं पहले उसको रिमूव करूँगा वहाँ से। तो मैंने राइट क्लिक किया, रिसाइज लेयर कर दिया, तो मेरी जो इमेज है वो नॉर्मल हो चुकी है, लेयर वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट से हट चुकी है। अब मैं इसको मैं पूरा क्लिक कर लेता हूँ और इसको व्हाइट कलर का मैं कर देता हूँ। ये मैंने व्हाइट कलर का कर दिया है, और जो पहले का जो मेरा लोगो था यहाँ पे, इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ, ये डिसेबल कर दिया। अब मैं यहाँ पे जो मेरा लोगो है वो यहाँ पे आ चुका है, अब मैं इसको सेव करूँगा। सेव करने के लिए फाइल पे चलते हैं, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देते हैं। ये मैंने सेव पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ से आप क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका लोगो है वो यहाँ पे आ चुका है, उसका शेडो यहाँ पे आ चुका है। आप कोई भी अल्फाबेट भी डाल सकते थे, नाम भी लिख सकते थे वहाँ पे, जो भी आपको लिखना है उसका जो शेडो था वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा नीचे की तरफ, जो कि बहुत बढ़िया है। अगर आपको कलर चेंज करने हैं लाइटिंग वगैरह के तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा एक सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे आप देखें, ये मेरा एक सॉफ्टवेयर है एल्बम वर्ल्ड मैक्स 7.0। ये बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपनी एल्बम को डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप फोटो एल्बम का काम करते हैं, अगर आप डिजाइनिंग का काम करते हैं, अगर आप अपना भी काम करते हैं या फिर किसी और का भी काम करते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलमोस्ट सारे फंक्शन दिए हुए हैं जो भी आपको एल्बम बनाने से रिलेटेड चाहिए होते हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अगर आपका एल्बम डिजाइनिंग से रिलेटेड वर्क है तो ये सॉफ्टवेयर आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। इसके अंदर आप ऑटो में एल्बम बना सकते हैं, ऑटो में डीएम बना सकते हैं, ऑटो में कवर बना सकते हैं, और कवर के साथ साथ अगर आपको डिजिटल कवर बनाना है तो डिजिटल कवर बनाने का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि आपका बिल्कुल 3D लुक देगा। उसके अलावा आपको अगर 3D टेक्स्ट डालना चाहते हैं तो 3D टेक्स्ट का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपके पास है। यहाँ पे एक सॉलिड टूल किट है जिसके अंदर आप किसी भी PHD को किसी भी साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी PHD का रेजोल्यूशन कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको एक्स्ट्रा टूल है जिसके अंदर आप अपनी फोटो को स्वैप वगैरह करना या कीप कलर करना या फिर क्लिप आर्ट वगैरह डालना या फिर बैकग्राउंड चेंज करना, वो भी कर सकते हैं। अगर आप खुद से डिजाइन बनाना चाहते हैं अपनी शीट का, तो आप यहाँ पे इस बटन को दबा के आपके पास ये ऑप्शन है, यहाँ से आप अपनी शीट पूरी डिजाइन कर सकते हैं। किसी भी टाइप से अगर आपको करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन दिए जा रहे हैं, काफी सारे टचअप का काम करते हैं, जैसे कि आप वेडिंग एल्बम का अगर आप डिजाइनिंग कर रहे हैं तो क्लोजर शीट के अंदर आप टचअप करना पड़ता है, तो टचअप के लिए यहाँ पे सारे ऑप्शन अवेलेबल है। इवन अगर आपको बैच करेक्शन करना है या फिर बैच स्मूथ करना है, यानी हजारों फोटो कलर करेक्शन करना है या तो स्मूथ करना है, तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अलावा और भी काफी सारे यूनिक ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपने बहुत सारी फोटो खींची अपने कस्टमर की, आप अपने कस्टमर की फोटो को पेनड्राइव में डाल के अपने कस्टमर को आप देते हो, तो आपकी कस्टमर जो है वो फोटो को चोरी करके वो कहीं और से प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं सस्ते में, तो आपका लॉस हो जाता है उसमें। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आप कस्टमर की फोटो को अपना लोगो लगा के और साइज छोटा करके वाटरमार्क डाल के आप दे सकते हैं, जो कि सिंगल क्लिक के अंदर आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कैरिकेचर का ऑप्शन दिया हुआ है। कैरिकेचर आपको पता ही है कि क्या होता है, कार्टून जैसे इफेक्ट आपको यहाँ पे लगा सकते हैं अपनी फोटो को कार्टून में कन्वर्ट करके, जो कि बहुत ही प्यारा लुक देता है। और यहाँ पे जो मेन ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जब एल्बम डन हो जाती है, डिजाइन डन हो जाता है, तो लास्ट में आप अपने स्टूडियो को ऐड डालते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से, इस वाले ऑप्शन की मदद से आप अपने डिजिटल एड क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आप लास्ट में लगाते हैं अपने लोगों के साथ, अपने कैमरे के साथ। काफ़ी सारे ऑप्शन इसके अंदर दिए हुए हैं। इसके अलावा इसमें काफ़ी सारे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ओवरले वगैरह का, लाइटिंग वगैरह का, 3D टेक्स्ट जनरेटर वगैरह का, बहुत कुछ इसमें दिया हुआ। गाइस ये सॉफ्टवेयर बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, ऑलरेडी बहुत अच्छी रेटिंग पे है, बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर के थ्रू आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके सॉफ्टवेयर की जानकारी ले सकते हैं, सॉफ्टवेयर आप ले सकते हैं। अगर आपको इस वाले सॉफ्टवेयर का वीडियो देखना चाहते हैं, डेमो देखना चाहते हैं, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा एल्बम वर्ल्ड मैक्स 7.0 नाम है सॉफ्टवेयर का, तो उसी के नाम से आपको वहाँ पर डेमो दिखाई देगा। तो गाइस अभी हम लोग अपने सब्जेक्ट पर चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो लोगो लगाया था, लोगो यहाँ पे आ चुका था। यहाँ पे लाइटिंग ऑप्शंस है कुछ यहाँ पे, तो लाइटिंग ऑप्शन को मैं ओपन कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे है ग्रीन लाइट। मैंने ग्रीन लाइट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपके पास कुछ ग्रीन लाइट आ जाती है। मैं यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ग्रीन लाइट आ गई है, ठीक है। अगर आपको पिंक लाइट वाला करना है तो ग्रीन लाइट को हटा के पिंक लाइट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपकी पिंक लाइट आ जाती है। अगर आपको आप लोगों की जगह नाम डालना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर कपल नेम, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इतना सारा कंटेंट यहाँ पे आ जाता है जो भी आपको डालना है। तो जैसे कि यहाँ पे लगते हैं एक नाम लिखते हैं, यहाँ पे मैंने क्लिक किया है,
इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है आपको चेंज करने के लिए यूर नेम हेयर, आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास जो टेक्स्ट है इसका वो अलग वाली फाइल में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिख दिया और बाहर एरो पे मैंने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे ये हो गया। अब नीचे का जो टेक्स्ट है वो चेंज करना है, राइट। उसके बाद आपको जो नीचे का जो टी लिखा हुआ है उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, करने के बाद ओके करेंगे, उसको यहाँ पे सेम नाम आप टाइप करेंगे, SENTY आपने टाइप कर दिया। अब आप बाहर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो ऊपर वाला जो लिखा हुआ था नियोन लेटर पे वो नीचे शेडो पे आ गया। तो यहाँ पे बस इतना ही है गाइस, बहुत ही अमेजिंग है। अब इस शीट को आप कहीं पे भी उठा के रख सकते हैं, जहाँ पे भी आपको लेके जाना है। बैकग्राउंड चेंज करना चाहें तो आप बैकग्राउंड को रिमूव करके आप अपने फोटो का बैकग्राउंड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐड हो रहा है, या फिर कोई भी अगर आपको कलर्स चेंज करने हैं तो आप कलर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको डालना है। तो यहाँ पे आप चैनल पर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद आपके पास आ जाएगा ये वाला ऑप्शन, यहाँ से आप अपने कलर को कुछ भी चेंज कर सकते हैं। मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ एक बार, ये मेरे पास आ गया है। उसके बाद यहाँ से जो मर्जी आपको देना है कलर्स वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं कलर्स दे रहा हूँ, वहाँ पे चेंजेस होते जा रहे हैं। मैं एक एक करके कर रहा हूँ, आप यहाँ पे चेक करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंगली अपना डिज़ाइन खुद से तैयार कर सकते हैं, कहीं पे भी आपको लगाना है तो आप वो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो गाइस आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया हो। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करें, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें, और इस कंटेंट को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन एरिया में जा सकते हैं, वहाँ पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। जो इस मैंने वीडियो के अंदर आपको सॉफ्टवेयर बताया एल्बम डिजाइन के लिए, अगर आप वो उसके लिए इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन के दिए हुए नंबर पे आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज शेयर जरूर करें इस वीडियो को, लाइक जरूर करें, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। इफ यू रियली डिड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस।